भारत सरकार द्वारा चीन का मशहूर गेमिंग ऐप पबजी अब बैन कर दिया गया है। पबजी के बैन होने के तुरंत बाद ही भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया फौज नाम का गेम काफ़ी चर्चा में आया, क्योंकि इस गेम को पबजी मोबाइल गेम का विकल्प बताया जा रहा था। वहीं इस गेम का प्रचार अक्षय कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा किया था। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि इस गेम की योजना सुशांत सिंह राजपूत ने तैयार की थी। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने FAUG यानी कि फौज गेम की योजना तैयार की थी, लेकिन अब इन सभी खबरों का खंडन करते हुए भारतीय खेल उद्योग के दिग्गज विशाल गोंडल ने कहा है कि ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं। विशाल गोंडल की कंपनी एनकोर ने ट्वीट करते हुए बताया है कि फौज की योजना सुशांत सिंह ने नहीं की थी, ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं और निराधार हैं। गोंडल ने अपने ट्वीट में ये भी बताया है कि फौजी गेम में 25 से अधिक प्रोग्रामर, कलाकार और डिजाइनरों की टीम शामिल है। ये सभी लोग पहले टॉप गेमिंग टाइटल्स पर काम कर चुके हैं। इस गेम को एनकोर की टीम द्वारा ही डिजाइन और बनाया जा रहा है।